नमस्ते, मैं प्रीति, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मठरी बनाना बता रही हूँ। इसे आप बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती और सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखें इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सूजी, इसे रवा भी कहते हैं, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन, नमक, पिसी लाल मिर्च, घी और पानी। सबसे पहले हम मठरी के लिए आटा गूंद कर तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे मैदा, सूजी। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, काली मिर्च, हींग, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, नमक। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी हमने यहाँ पर 3 चम्मच डाला है। अब हम हाथ से आटे को गूंद करके तैयार करेंगे। पहले घी को हम अच्छे से मैदे में मिला लेंगे, इस तरह से हाथ से रगड़ करके, दबा करके, जिससे कि घी मैदे में अच्छे से मिल जाए। देखिए घी अच्छे से मिल गया है। हमें इसमें घी ठीक मात्रा में डाला है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथ से ऐसे बांध कर देखेंगे। देखिए बन गया है। इसका मतलब है कि अब हम इसमें घी और नहीं डालेंगे। अगर आपका ऐसे नहीं बन रहा है तो इसमें आप थोड़ा घी और डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंथेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए हमारा आटा गूंथ करके तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, डो हमारा सेट हो गया है। अब हम मठरी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक घी गर्म होगा हम मठरियां बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम डो में से एक लोई तोड़ेंगे और इसको हाथ से दबा करके अच्छे से रोल करेंगे। इस तरह से देखिए अब इसे हम बेल करके बड़ा करेंगे। मठरियां बनाने के लिए हमें जो लोई बेली है वो बहुत ना मोटी रखनी है और ना ही बहुत पतली। देखिए इसको हमने बेल लिया है। इसकी मोटाई हमें देखिए इतनी ही रखनी है, ना बहुत मोटी ना पतली। अब हम इसमें फोक लिया है हमने, आप चाहे तो चाकू ले सकते हैं। यहां मैंने फोक का इस्तेमाल किया है। फोक से हम इसमें पूरे में छेद बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह से इसमें फोक से निशान बना लिया है। फोक से हम निशान इसलिए बनाते हैं ताकि मठरियां हमारी फूले नहीं। अब ये निशान बनाने के बाद हम एक कटोरी लेंगे छोटी, आप चाहे तो कोई ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मठरियों को काटेंगे, इस तरह से निशान बना लेंगे और देखिए निकाल करके एक प्लेट में हम रखते जाएंगे।
देखिए इस तरह से हमने मठरियां बना ली है और ये बाकी आटे को हम हटा देंगे और इसी तरह से सारी मठरियां बना करके हम तैयार कर लेंगे। देखिए सभी मठरियों को बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है। जब घी गरम हो जाएगा तो हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, तब मठरियों को घी में डालेंगे। एक एक करके हम इसमें मठरी डालेंगे। गैस को धीमा ही रखेंगे। देखिए मठरियों को हमने डाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलटते हुए पकाएंगे। हर तरफ से इन्हें हमें लाइट ब्राउन कलर का करना है। देखिए मठरियां ऊपर आ रही हैं। अब इन्हें हम धीरे धीरे चारों तरफ चलाते हुए पलटेंगे और हर तरफ से ब्राउन कलर का इन्हें हमें करना है। आंच को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं इन्हें फ्राई होते हुए। अब इनका कलर चेंज हो रहा है, ये लाइट ब्राउन कलर के हो रहे हैं। लेकिन अभी इन्हें हम धीमी ही आंच पर 5 मिनट तक और पकने देना है ताकि ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाएं। आंच को हम धीमा ही रखेंगे और धीरे धीरे इन्हें चलाते रहेंगे बीच बीच में। देखिए मठरियों का कलर अच्छे से ब्राउन कलर का हो गया है। ये बन करके तैयार हो गई है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी मठरियां भी तल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए स्वादिष्ट क्रिस्पी मठरियां सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली रेसिपी की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।